HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। ऐसा देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ ऑब्जर्वेशन आई है, थोड़ी बाहर आ रही है। जो ऑब्जर्वेशन आई है उसको प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दूर करने में लगी हुई है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है, मुझे भी अवेलाना कि इसका कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए और हमारा यहाँ मंत्री, ये अहिरवाल के लिए बहुत अहम मुद्दे हैं। डॉक्टर साहब रहे हैं, आपको पता बिहार में जिस तरीके का देख रहे होंगे स्वास्थ्य। ये तो भैया, ये बीज मेरा बोया हुआ, मैंने तो मुझे पता है शुरुआत होने के लिए हमें इसके आप पूरे सूत्रधार हैं, आप और डॉक्टर अरविंद जी जैसे उन्होंने बताया था बयान में, तो अब जब हमने ये शुरुआत की है तो हम इसको सिरे तक जुटाने का काम करें। तो हमें जाने कहाँ चूक हुई इसके अंदर, जो आप लोगों ने किया नहीं हुई है। जैसे कि पहले सरपंच ने पंचायत ने बताया कि ये जमीन हमारी है, तो हमने उसके सरपंच ने उसका रेजिस्ट्रेशन किया और हमने आगे इसकी कार्रवाई की। अब बाद में पता लगा कि फॉरेस्ट का कुछ अरावली एरिया आता है, तो उसका जो भी ऑब्जर्वेशन उसको करेंगे। तो पूरा जो राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, ये तो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, ये सब सबके काम आने वाली चीज है और हमें राजनीति से ऊपर उठकर इस बात विपक्ष कहीं ना कहीं जो आरोप लगा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति नहीं, ऐसा गलत है, विधानसभा चुनाव है, बहुत गलत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है, और ये जगह का अगर मान लो कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता, तो अब तक इसका शिलान्यास भी हो जाता। तो क्या लगता है मंत्री जी, कहीं जगह बदलने की कोई रणनीति खेली जा रही है या क्या, इस तरह की आपको कोई शंका लग रही है इस तरीके की? ऐसी सरकार की कोई नीयत नहीं है कि जगह बदलने की, सरकार चाहती है यहीं बने। और इसके बारे में मैंने अभी बताया कि जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो दूर करने का प्रयास किया। एक आखिरी अहम सवाल करेंगे, क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी, उन्होंने स्वीकृति दी थी की, कहीं ना कहीं उनकी जो है बात के ऊपर प्रधानमंत्री जी को थोड़ा बता दें, जगह में कोई डिस्प्यूट है उनको थोड़ा बता दें, प्रधानमंत्री जी की नियत में कैसे पड़ता। तो कब तक उम्मीद माने कि ये त्रुटियां दूर हो, जो भी जो प्रोसेस है वो तो करना पड़ेगा, टाइम तो कितना लगता है, लेकिन हम पूरी तरह प्रयास करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि लोकसभा के पहले से घोषणा की गई, ये गलत है, ये गलत है। ठीक। HR News YouTube चैनल की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक करें।